अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज की व्लॉग की अपडेट ये है कि मैंने दोस्त के साथ जाना था उसके कज़न की मेहंदी का सामान लेने के लिए, लेकिन उससे पहले हमें कुछ थोड़ा बहुत और सामान लेना होता है। तो हम सीधा आ जाते हैं न्योन लाइट्स वाली शॉप पर, यहाँ से हम अपने लिए न्योन लाइट्स लेते हैं। उसके बाद हमने लेनी होती है न्योन के लिए कटिंग, जो लेज़र प्रिंटिंग पे कटिंग होती है। तो हम आ जाते हैं सीधा उस शॉप पे। यहाँ पे देखिए ये न्योन कितने ही प्यारे लगे होते हैं जो सैंपल में उन्होंने लगाए होते हैं। खैर, यहाँ से अपनी कटिंग उठाने के बाद हम जब यहाँ निकलते हैं तो देखते हैं भाई गोलगप्पे वाले के पास अच्छा खासा रश होता है। तो पता चलता है कि यहाँ का बहुत मशहूर गोलगप्पे वाला है। तो मेरा दोस्त जाए दो प्लेटें लेके आता है, जब इसका जायका चखते हैं तो जायका इसका वाकई बड़ा मज़ेदार होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं बोर गेट। बोर गेट से हमने लेना होता है मेहंदी का सामान। मेहंदी का सामान लेने के लिए यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। पहले अंकल हमें ये थाल दिखाते हैं चार कंधों वाली। मैं अंकल को कहता हूँ अंकल जी मेहंदी है, जनाजा नहीं उठाना कि आप चार कंधों वाली ले आए हैं। अंकल कहता है बेटा आपको मैं और दिखा देता हूँ। खैर, और भी बहुत से सैंपल अंकल दिखाते हैं, तो इनमें से हमें ये दो बल्ले पसंद आते हैं। खैर, अपना सामान सामान पैक करवाने के बाद जब हम निकलते हैं तो हमें लगती है भूख, हम आ जाते हैं यहाँ फलूदा खाने। फलूदा खाने के लिए अभी हम जाके बैठते हैं और भाई को कहते हैं कि यार भाईजान दो प्याले लगा दो। खैर, थोड़ी देर बाद भाईजान बेहतरीन करके दो प्याले लगाते हैं। जब हम उसको चखते हैं तो उसका जायका वाकई बड़ा कमाल होता है। खैर, फलूदा खाने के बाद अपना सामान बाइक पर एडजस्ट करते हैं और चल पड़ते हैं घर की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर लाजमी कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।